वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएन टू डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त अक्सर आप स्पीकिंग करते हो राइटिंग करते हो क्वेश्चन बनाते हो तो आपको दो चीज में प्रॉब्लम होता होगा क्या आखिर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में अक्सर कन्फ्यूजन है मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रहा हूँ आप अंग्रेजी में बोलना मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया है मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया क्या बोला आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर क्या बोलना चाहते हो क्या आप ऐसा बोलते हो क्या बोलते हो मेरा भाई कल दिल्ली गया है माय ब्रदर हैज गोन टू दिल्ली स्टार्टिंग क्या ऐसा बोलते हो तो बोलो कि हां सर हम तो ऐसे ही पढ़े हम लोग अंग्रेजी ऐसे ही पढ़ते हैं सर अक्सर जो है अंग्रेजी जानने के लिए अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई कल दिल्ली गया है तो मेरा भाई कल दिल्ली गया है हम अंग्रेजी बनाते हैं कि माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली एस्टरडे तो ध्यान देना बच्चे हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं कि जिसके अंत में गया है गई है ये है चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक कॉन्सेप्ट गलत है हिंदी तो सही है अंग्रेजी गलत है मेरे बच्चे ध्यान देना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग गया है गई है नहीं पढ़ते आपको अब टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है मेरा भाई कल दिल्ली गया है इस कल को पकड़िए एक कल बीता हुआ टाइम है या आने वाला टाइम है मेरा भाई कल दिल्ली गया है तो कल का मतलब टाइम बीत गया तो टाइम जब बीत गया तो आप मुझे बताएं क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या ये सिंपल पास्ट है तो सेंटेंस गलत है इसका होना चाहिए था माई ब्रदर माई ब्रदर Went टू दिल्ली स्टडे माई ब्रदर went टू दिल्ली स्टडे आज इसी पर चर्चा करने वाला हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली क्यों सही हुआ माई ब्रदर हैज़ गन क्यों नहीं सही हुआ अगर मैं बात करूँ कि हमने मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया है नाइन्टी नाइन परसेंट लोग आपसे बात कर रहा हूँ आप आज निकलो बाहर और हजार लोगों से पूछो कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर क्या कहा हमने आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर यह लाइन आप हजार लोगों से आज पूछो और फिर आप देखो कि सच्चाई पता चलेगा यह सेंटेंस गलत है क्योंकि लास्ट ईयर लास्ट क्या है टाइम लैबसेज वर्ड है और टाइम लैब्स वर्ड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं इसका प्रयोग करेंगे हम सिंपल पास्ट में आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर आई हैव कम्प्लीटेड नहीं आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर यह सत्य होगा मेरे बच्चे अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं और इसे जानने के लिए आप दो तरह के ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को आप जानने का प्रयास करो प्रेजेंट परफेक्ट हो या सिंपल पास्ट हो दोनों एक्शन फिनिश्ड एक्शन होगा दोनों एक्शन फिनिश्ड होगा या भी फिनिश्ड होगा वह भी फिनिश्ड एक्शन होगा यानी कि जो एक्शन होगा वो फिनिश्ड होगा अब फिनिश्ड एक्शन का एक हुआ इंपैक्ट इंपैक्ट का मतलब प्रभाव इंपैक्ट सस्टेंस सस्टेंस ऑन प्रेजेंट और इसका मतलब हुआ इंपैक्ट विड्रॉज ऑन प्रेजेंट यानी जो इंपैक्ट होगा वो समाप्त हो जाएगा इंपैक्ट सस्टेन का मतलब होता है कि वर्तमान पर प्रभाव पड़ना वर्तमान प्रभाव पड़ना और इंपैक्ट विड्रॉ का मतलब होता है प्रभाव समाप्त हो जाना प्रभाव समाप्त का मतलब होता है कि टाइम टाइम लैपसेस वर्ड्स आर यूज टाइम लैब वर्ड्स आर यूज मैं कहता हूं कि दुनिया में जो लोग टेंस पढ़ा रहे हैं टेंस पढ़ रहे हैं इसको देखें और इसको देख करके सही ज्ञान सीखने का प्रयास करें जिसके माध्यम से आप बच्चों को सही पढ़ा पाएंगे बच्चा सही पढ़ पाएगा और सही ज्ञान मिलेगा कि आपको पहले ही पता होना चाहिए अक्सर लोग हिंदी पढ़ता है जिसके अंदर और आ रही कॉन्टिन्यूस चुका चुकी परफेक्ट ऐसे अंग्रेजी नहीं आएगा अंग्रेजी आने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा आप अब बिहार यूपी से काम नहीं चलेगा आप परम्पराबादी अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा क्रांति छेड़नी पड़ेगी जब क्रांति होगी तभी आप में क्रांति आएगा और तभी आप सीख पाओगे अंग्रेजी मैंने कहा फिनिश्ड एक्शन है सिंपल पास्ट फिनिश्ड एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट अंदर अंतर क्या है तो अंतर दिखा रहा हूं इंपैक्ट विदड्रॉज ऑन प्रेजेंट इंपैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट अब इंपैक्ट विदड्रॉ का मतलब हुआ इंपैक्ट मतलब प्रभाव समाप्त हो जाना यहां पे हुआ प्रभाव पड़ते रहना अब प्रभाव का मतलब क्या है हम लोग टाइम लैब्सज वर्ड्स आर यूज टाइम लैब्स वर्ड्स आर यूज और साफ लिख रहा हूं यूज टाइम लैब्सज का मतलब क्या हुआ टाइम लैब्सज का मतलब हो गया स्टडी टाइम लैपसेस का मतलब मैं बोल भी रहा हूं कॉपी कलम निकाल लो और निकाल करके लिखो भी क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं लिखा भी रहा हूं मैं बार बार बोलूंगा स्टरडे अगो लास्ट है ना बिफोर बिफोर प्लस टाइम लगा दो लास्ट प्लस टाइम लगा दो अगो है स्टरडे है अगो है लास्ट है बिफोर है अब इन्हीं टाइम लैब्सेस का यानी इंपैक्ट सेस्टम का मतलब हुआ कि टाइम लैब्सेस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, टाइम लैब से वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, बीते हुए समय का प्रयोग नहीं करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि स्टर्डे गो लास्ट का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा हमने यहाँ बात क्या करने समय पास किया कि जैसे मान लेते हैं बच्चे कि कोई भी चीज़ हो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे हमने पुल का निर्माण कराया ये पुल को बनने के लिए ए से काम शुरू हुआ बी तक काम चला ए से काम चला बी तक काम चला यहाँ पर काम चल रहा है बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं अब अगले दिन काम करने वही लेबर आएगा जिसको जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा यानी इम्पैक्ट सस्टेन होगा वो काम करने आएगा इम्पैक्ट विड्रॉ होगा काम करने नहीं आएगा इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ जैसे मैं पढ़ा हूं मैं खाना खाया हूं अब खाना खाए हो आप तो खाना का प्रभाव पेट पर है यानी दोबारा वो काम नहीं कर सकते आप जो खाना खाए हो तो खाना का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है पेट पर तो खाना का प्रभाव पेट पड़ रहा है दोबारा खाने की इच्छा नहीं है इसलिए इंपैक्ट सस्टेंस है यानी आप खाना कल खाए थे आप खाना चार दिन पहले खाए थे आप खाना दो महीना पहले खाए तो जो भी काम आप पास्ट में किए हो यानी जिसमें टाइम प्रयोग कर दिया तो टाइम लगा दिया इसका मतलब कि वो सिंपल पास्ट है तो इस तरह के एक्शन को इस तरह के एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे अगर एक्शन फिनिश्ड है और इंपैक्ट सस्टेन है टाइम का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्व का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड और ये जो फिनिश्ड एक्शन होगा इंपैक्ट विड्रॉज होगा उसे कहते हैं सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म अदर वर्ड अब आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान लगेगा हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या भीथरी अदर वर्ड और हमने कहा सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड ओ डब्ल्यू अदर वर्ड अब आपको सीखना यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट हम बताओ यहाँ बेटा हमने कहा कि मैं खाना खाया हूँ तो मैं खाना खाया हूँ आई हैव ईटन राइट right? और मैं खाना एक मिनट पहले खाया हूँ मैं खाना एक मिनट पहले खाया हूँ अब देखो ध्यान दो दोनों का हिंदिया खाया हूँ दोनों कहीं दी खाया हूं तो एक मिनट पहले अब मुझे बताओ बिफोर का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा तो जब बिफोर का प्रयोग करेगा बेटा तो बिफोर के साथ बोलो कौन सा टेंस जा रहा है सिंपल पास जा रहा है तो बोलो आई हैव इटेन होगा मान लो किसी ने बोला आई हैव इटे बिफोर वन मिनट्स तो गलत हुआ कि नहीं हुआ वहां बोलना होगा आई एट बिफोर वन मिनट्स आई एट वन मिनट्स बिफोर इस तरह से बोलना होगा तब उसका अंग्रेजी सही हो जाएगा हमने कहा हम, मेरा भाई कल दिल्ली गया है तो मेरा भाई कल

आई पासड द एग्जामिनेशन बिफोर वन ईयर हमने कहा हमने पिछले साल ग्रेजुएशन किया है आई हैव कंप्लीटेड गलत हो जाएगा आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेसन लास्ट ईयर तो वो गलत हो जाएगा अगर लास्ट ईयर हटा दें तब आपका प्रजेंट परफेक्ट हो सकता है यही तो फोकस करना है यही तो पढ़ना है तो हमने क्या बताया अगर समय का प्रयोग कर दो टाइम का प्रयोग कर दो तो सिंपल पास्ट अगर टाइम का प्रयोग ना करो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट पूरा दो घंटे का क्लास है पूरा दो घंटे का क्लास है इसको कभी क्लास नहीं लाइव कर दूंगा लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे बच्चे आपसे कहता हूं कि कभी भी आप ताते थी रहा रही चुका चुकी मत पढ़ो आपको अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ो तब आपका नीचे स्ट्रांग होगा तब आप बेहतर राइटिंग सीख पाओगे स्पीकिंग सीख पाओगे और एग्जाम क्रैक कर पाओगे इस तरह से काम करोगे अंतर करके तब आपका अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा ये हमने एक नमूना दिया है आपको बस जगाने के लिए आप इसको सीखिए और सीख करके अपने दोस्तों को सिखाइए और हजार लोगों से डिस्कस करिए यही बेस्ट है यही बढ़िया है थैंक यू वेरी मच